Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back to my channel. Myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So now we discuss about very important and interesting unit of the 11th NCERT, that is the plant physiology. So in this particular unit, we detail discuss about each and every chapter which contain in this unit. So I hope you all enjoy this video. So if you like my videos, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and the box section of my channel. So please go through the box section of my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you all appreciated me. So watch the video and keep subscribing. Welcome back to another new and interesting video. So now we discuss about metabolism of nitrogen. In metabolism of nitrogen, we basically discuss about nitrogen cycle and biological nitrogen fixation. So I hope you all enjoy this video. So first we read for written in NCERT textbook. After that, we looked at each and everything with simple and easy words. So let's begin without wasting any time. So NCERT में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं हम लोग. Apart from carbon, hydrogen, ऑक्सीजन, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, एपार्ट मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इज मोस्ट प्रीवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, मोस्ट प्रीवेलेंट, यानी प्रीवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित. क्या होता है, प्रचलित, यानी जो नाइट्रोजन है वो मोस्ट प्रचलित एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, नाइट्रोजन इज ए कंस्टिट्यूंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन्स एंड क्लोरोफिल एंड मेनी ऑफ द विटामिन. यानी जो नाइट्रोजन है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे अपना योगदान प्रोवाइड कराता है, वो होते हैं नाइट्रोजन कहाँ अमीनो एसिड में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, और कहाँ हार्मोन्स में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, और कहाँ मेनी ऑफ द विटामिन और विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है. मैंने रोल ऑफ माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट में बताया था आपको कि नाइट्रोजन जो होता है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है और ये क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. ठीक है, आगे इसमें क्या दिया गया है, प्लांट कंप्लीट विद माइक्रोब, प्लांट कंप्लीट विद माइक्रोब फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन डेट इज अवेलेबल इन सॉइल. है ना, जो प्लांट होता है वो माइक्रोब से कंप्लीट करता है, यानी माइक्रोब से कंपटीशन करता है किसके लिए, क्योंकि जो लिमिटेड ऑक्सीजन है वो सॉइल में कितने लिमिटेड मात्रा में है ना, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सॉइल में लिमिटेड है, सॉइल में क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड है यानी लिमिट में प्रेजेंट है. इस वजह से प्लांट जो करता है कंपटीशन करता है माइक्रोब से. ठीक है, आगे क्या बताया गया हमको, दस नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम. यानी इसी वजह से क्या हुआ, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में बहुत लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट है, इसी वजह से प्लांट और माइक्रोब के बीच कंपटीशन होता है. तो इसी वजह से क्या बोला गया, जो नाइट्रोजन है वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है किसके लिए, बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए. जो नाइट्रोजन है वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है. आगे क्या बताया गया है, नाइट्रोजन एग्जिट एज टू नाइट्रोजन एटम. है ना, नाइट्रोजन एग्जिट होता है वो टू नाइट्रोजन एटम होते हैं उनके फॉर्म में एग्जिट होता है, और क्या होता है वो किससे जुड़े होते हैं, है ना, वो जुड़े होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, वो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. नाइट्रोजन के भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. इनके इनको तोड़ने के लिए, डिग्रेड करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अब कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, यानी नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. है ना, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है. वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से आती है, तो हमको यहाँ पे बताया गया है, इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड. यानी जो प्रकृति में क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, लाइटनिंग है, वो उतनी इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं कि नाइट्रोजन अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके, नाइट्रोजन अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके. आगे क्या है, इसमें ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उनका नाम क्या है, यूनो का क्या होता है, यूनो को बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड. यूनो को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं. और यूनो टू को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक डाइऑक्साइड. है ना, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. क्या बोलते हैं यूनो को, यूनो टू को, यूनो टू को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और जो यूनो टू होता है इसको क्या बोलते हैं, यूनो टू को क्या बोलते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, लॉफिंग गैस बोलते हैं. तीन नाम हो गए, याद रखेंगे. आगे क्या है, इंडस्ट्रियल कम्बसन, यानी जो इंडस्ट्रियल से कम्बसन निकलता है, फॉरेस्ट फायर यानी जंगल की आग, और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन आर सोल्ड आर आल्सो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड. है ना, ये जो चीज़ें हैं कौन कौन से, इंडस्ट्रियल कम्बसन हो गया,
और क्या हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, पावर जनरेटिंग स्टेशन हो गए, ये क्या सोर्स होते हैं, किसका सोर्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का सोर्स होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्या बताया गया हमको, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से आ सकती है, वो डेड प्लांट्स में हो सकती है, एनिमल में, बायोमास में हो सकती है, इनटू अमोनिया, है ना, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना, किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट होना, NH3 में कन्वर्ट होना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनिफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर में वो प्लांट हो सकता है डेड और एनिमल हो सकता है ना, तो उसमें किस टाइप की नाइट्रोजन होगी, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगी। अब वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है, अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन बोलेंगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, सम ऑफ दिस अमोनिया वोलेटाइल एंड री इंटर द एटमॉस्फियर बट मोस्ट ऑफ इट कन्वर्ट इंटू नाइट्रेट बाई सॉइल बैक्टीरिया इन फॉलोइंग स्टेप, है ना, कि जो होती है कुछ अमोनिया होती है वो कैसी होती है, वोलेटाइल होती है, कुछ अमोनिया कैसी होती है, वोलेटाइल होती है, यानी वो उड़ जाएगी, क्या करेगी, उड़ जाएगी, है ना, तो वो कहाँ चली जाएगी, री इंटर एटमॉस्फियर, वो एटमॉस्फियर में फिर से री इंटर हो जाएगी, फिर से पुनः प्रवेश हो जाएगी, बट ज़्यादातर जो होती है मोस्ट ऑफ द अमोनिया क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, नाइट्रेट में, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट में, इस बात को याद रखेंगे, बाई सॉयल, सॉयल के द्वारा, सॉयल में जो बैक्टीरिया होंगे वो मोस्ट ऑफ द अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए क्या हमको स्टेप बताए गए, रिएक्शन बताई गई, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया हमको, अमोनिया है ना, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, 2NO2, क्या बना रहे हैं, 2NO2, 2NO2, इसको क्या बोलते हैं हम, NO2 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइट, क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं ना, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, टू वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, ठीक है, अब ये क्या हुआ, नाइट्राइड फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, क्या बना देगा, नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, है ना, तो पहले अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में, उसके बाद नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे क्या बताया गया, अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज, अमोनिया क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो गए, ठीक है, और जब हाइड्रोजन आता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, यानी रिड्यूस होगा चीज़ें, है ना, तो ये बात तो पता होगी आप सभी को। ठीक है, अमोनिया जो होती है फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट, अमोनिया जो होगी फर्स्ट ऑक्सीडाइज होगी किसमें, नाइट्राइट में बाई बैक्टीरिया, यानी इसमें जो बैक्टीरिया होगा कौन सा होगा, नाइट्रोसोमोनास, कौन सा होगा, नाइट्रोसोमोनास, इसी का और नाम होता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। सो क्या हुआ, अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होगी तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज, नाइट्राइट होगा फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा टू नाइट्रेट, इसमें होता है NO3 में, है ना, NO3- को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं, है ना, नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे बैक्टीरिया कौन सा होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया होगा नाइट्रोबैक्टर, कौन सा बैक्टीरिया होगा, नाइट्रोबैक्टर, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जब अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रही थी तो वहाँ पे नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास था, बट जब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ से कौन सा बैक्टीरिया था, नाइट्रोबैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये बैक्टीरिया के नाम पूछ लेते हैं और स्टेप पूछ लेते हैं, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है, सो क्या है, दीज स्टेप आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, तो इन स्टेप दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों स्टेप को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि नाइट्रिफिकेशन के स्टेप क्या होते हैं, उनके प्रोडक्ट जो बनते हैं उनमें कौन से बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं उनके प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ, ये जो बैक्टीरिया हैं कौन से, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, ये कैसे बैक्टीरिया हैं, ये कैसे बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब है ये केमिकल को यूटिलाइज करेंगे, क्या करेंगे, केमिकल को, इनके नाम में केमिस्ट्री वर्ड यूज हो गया, केमिकल वर्ड यूज हो गया, तो इस वजह से क्या हुए, कीमो ऑटोट्रॉफ हो गए। ठीक है, यानी अपने केमिकल से भोजन बनाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया हमको, द नाइट्रेट दस फॉर्म इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट, ना जो नाइट्रेट बनता है और फिर क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा और फिर इसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट टू लीफ, है ना, और फिर इसको लीफ में भेज दिया जाता है, है ना, यही बताया गया है, जो नाइट्रेट बनता है ना, फॉर्म होता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा
और फिर उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेड करते हैं टू द लीफ, लीफ को ट्रांसपोर्टेड कर देते हैं यानी भेज देते हैं। इन लीफ, लीफ में क्या होता है, इन लीफ इट इज रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया, है ना, ये फिर लीफ में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और अमोनिया बनाता है, डेट इज फाइनली फॉर्म द अमाइन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, और फिर लीफ में ये क्या हो जाएगा, ये लीफ में रिड्यूस हो जाएगा, अमोनिया बनाएगा, है ना, जिसमें फिर ये अमोनिया फाइनली किसमें बन जाती है, ये अमाइन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में अमाइन ग्रुप बनाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे क्या बताया गया है, नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी नाइट्रेट का क्या फार्मूला था, NO3-3, ठीक है, ये था नाइट्रेट का, है ना। नाइट्रेट प्रेजेंट इन सॉइल इज आल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाई, है ना, जो नाइट्रेट सॉइल में प्रेजेंट होगा वो भी रिड्यूस होता है ना, वो भी रिड्यूस होता है, नाइट्रेट प्रेजेंट सॉइल आल्सो रिड्यूस बाई द रिड्यूस टू नाइट्रोजन, यानी NO3 किसमें रिड्यूस हो रहा है, NO3N2 में जा रहा है, NO3N2 में जा रहा है, तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, उसको क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, इस बात को याद रखेंगे सारे, ये प्रोसेस जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब नाइट्रेट सॉइल में प्रेजेंट होगा तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन में, उसमें प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाई बैक्टीरिया, यानी ये इंपॉर्टेंट है, जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है उसमें बैक्टीरिया कौन से होते हैं, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस होते हैं, इस बात को इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है सॉइल में वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन में, इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, फिगर दिखाया गया हमको 12.3 फिगर में कुछ बताया गया, इसको देख लेते हैं हम लोग। उसमें क्या है, उसमें क्या है कि नाइट्रोजन साइकिल सोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेन नाइट्रोजन पोल्स, है ना, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो रिलेशनशिप शो कर रही है किसमें, थ्री मेन पोल जहाँ से नाइट्रोजन आएगी, कौन कौन से हैं वो, क्या है नाइट्रोजन पोल, कौन, एटमॉस्फेयर है, सॉइल है, और क्या है, बायोमास है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो क्या, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू वो क्या, अमोनिया, है ना, किसमें जाएगी, अमोनिया में जाएगी। ठीक है, अमोनिया बनाएगी, और अमोनिया भी कन्वर्ट किसमें चला जाएगा, अमोनिया किसमें जाएगा, नाइट्राइट में, किसमें जाएगा, नाइट्राइट, ये क्या था, नाइट्राइट था, इस बात को याद रखेंगे, और नाइट्राइट फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रेट में, है ना। तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया आया, नाइट्रोबैक्टर आया। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया आया, नाइट्रोबैक्टर आया, और अमोनिया से, अमोनिया से नाइट्राइट बनना था तो नाइट्रोसोमोनास और या नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया था, इस बात को याद रखेंगे। ये क्या है, सॉइल के पूल हैं, है ना, सॉइल नाइट्रोजन पूल हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ उससे क्या बना, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या बना, यहाँ पे नाइट्रेट बना, क्या बना, नाइट्रेट बना। ठीक है, और आगे इसमें क्या बताया गया हमको, ये सब नाइट्रेट का, नाइट्रेट बन गया तो ये प्लांट इसको अपटेक कर लेगा, है ना, अपटेक कर लेगा यानी ले लेगा, सॉइल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, प्लांट जो बायोमास बना और जो एनिमल का बायोमास हुआ, इसमें कौन सी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगी, कौन सी होगी, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगी। अब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जब डिकेइंग हो जाएंगे, है ना, इनका बायोमास डिके हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोला था, इस प्रोसेस को क्या बोला, यानी जब इनका बायोमास डिकेइंग हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमोनिया में, तो इसको क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन बोलेंगे, है ना, अमोनिफिकेशन बोलेंगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखते हैं। हमने नाइट्रोजन साइकिल तो पढ़ लिया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लेते हैं। ठीक है, वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 अवेलेबल अबंडेंटली इन एयर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत वेरी फ्यू, कुछ ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं उसके जो N2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, है ना, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है यानी एयर में प्रेजेंट होती है, 78% नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, N2 के फॉर्म में, तो ऐसे कुछ ही और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस फॉर्म में इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीस, है ना, सिर्फ कुछ सर्टेन, इस बात को याद रखेंगे, यहाँ से हमसे पूछ लेता है कि सर्टेन, या सम, यहाँ क्या बताया, ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सिर्फ ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट स्पीसीज होती हैं, है ना, प्रोकैरियोट की कुछ ही स्पीसीज होंगी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगी, है ना। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा ओनली सर्टेन,
या फिर आल, तो हम क्या बोलेंगे, आल नहीं होता है, ओनली सर्टेन होगा तो हम उसको आंसर सही करेंगे, या सम प्रोकैरियोटिक स्पीसीज होगा तो हम उसको आंसर सही कर सकेंगे, बट आल प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, यानी अमोनिया का क्या हो, रिडक्शन हो, है ना, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, है ना, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा नाइट्रोजन का रिडक्शन हो अमोनिया में, है ना, रिडक्शन टू अमोनिया, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो यानी वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल दिया गया। अब क्या है, यहाँ पे एंजाइम होते हैं, द एंजाइम नाइट्रोजिनेस, कौन सा एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेस, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है, इंपॉर्टेंट है, द एंजाइम विच इज कैपेबल टू नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट, है ना, जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम पाया जाएगा वो कहाँ पे पाया जाएगा, सिर्फ सिर्फ प्रोकैरियोट स्पीसीज में पाया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जो नाइट्रोजन एंजाइम होगा वो नाइट्रोजन के रिडक्शन में हेल्प करता है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है प्रोकैरियोट की स्पीसीज में, सर्टेन प्रोकैरियोट स्पीसीज में। ठीक है, सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड यंटू फिक्सर, तो ऐसे माइक्रोब को क्या बोलते हैं, यंटू फिक्सर बोलते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, यंटू फिक्सर बोलेंगे माइक्रोब्स। ठीक है, अब क्या है, ये नाइट्रोजन है यानी यंटू है, अब यंटू किस में कन्वर्ट हो रहा है, यंटू कन्वर्ट हो रहा है NH3 में, अमोनिया में, तो यहाँ पे जो एंजाइम आया कैसा आया, नाइट्रोजनेज एंजाइम आया, इस बात को इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। ठीक है, द नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, ना, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब होते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, वो तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, है ना, या क्या हो, वो फ्री लिविंग हो या फिर सिम्बायोटिक हो, सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ रहेंगे, क्या रहेंगे, किसी के साथ, है ना, किसी के साथ एसोसिएशन में रहेंगे, किसी के साथ एसोसिएशन में रहेंगे तो इसको सिम्बायोटिक बोल देंगे, और फ्री लिविंग मतलब वो इंडिपेंडेंट स्टेज में अपने अकेले रहेंगे, आराम से जीवन जिएंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फ्री लिविंग, है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन एरोबिक माइक्रोब्स, है ना, फ्री लिविंग होंगे, कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स, है ना, यहाँ एरोबिक बोला गया यानी इनके नाइट्रोजन फिक्सेशन में O2 की जरूरत होगी, है ना, O2 की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए क्या बोला गया, एरोबिक माइक्रोब, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंस में ये काम करेंगे, तो उसका एग्जाम्पल क्या बताया गया हमको, एजोटोबैक्टर, क्या बताया गया, एजोटोबैक्टर, और क्या बताया गया, एक एग्जाम्पल और है, इसको क्या बोलते हैं, बीजर्निकिया, क्या बोलते हैं, बीजर्निकिया, एजोटोबैक्टर और बीजर्निकिया क्या हैं, एरोबिक माइक्रोब्स हैं, है ना, फ्री लिविंग। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। व्हाइल रोडो स्पायरुलम, जो रोडो स्पायरुलम होता है वो कैसा है, एनरोबिक है, इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एरोबिक एनरोबिक क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है रोल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट का, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन से, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी बहुत रहती है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए इसको, यानी इसमें क्या था, जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एरोबिक बैक्टीरिया थे कौन कौन से, एजोटोबैक्टर था वो क्या था, बीजर्निकिया था, और जो रोडोस्पायरुलम था वो कैसा है, एनरोबिक है, एनरोबिक एंड फ्री लिविंग है, एनरोबिक एंड फ्री लिविंग है, यानी इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, O2 की जरूरत क्या है, नहीं होगी। ठीक है, इन एडिशन इसके अलावा क्या है, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में क्या आया, साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक और रिनामिना है, वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या होते हैं, आल्सो क्या होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसर होते हैं, कौन कौन से, एनाबिना और नॉस्टॉक, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो एनाबिना होता है, एनाबिना होता है किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, सो हम बोलेंगे एजोला के साथ में, किसके साथ में, एजोला के साथ में, है ना, एजोला के साथ में क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ये बात याद रखेंगे। जो एनाबिना होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, यूज इन राइस कल्चर, है ना, ये जो एनाबिना होगा राइस किस में, राइस कल्टीवेशन में इसको यूज करते हैं एनाबिना को। ठीक है, और एजोला जो पाया जाता है वो पॉडी फीड, यानी धान की खेती होगी, है ना, धान की खेती में क्या होगा, एजोला, एजोला यानी पॉडी फील्ड।
पैडी फील्ड में एजोला पाया जाएगा। एना बिना सिम बैट एसोसिएशन करता है किससे, एजोला से, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे हमको क्या बताया गया है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया गया है कि इसमें चीज़ें होगी, सिम्बायोसिस होगी, यानी इसमें चीज़ें मिलकर काम करेंगी, दो चीज़ मिलकर काम करेंगे इसमें। ठीक है, क्या है, सेवरल टाइप ऑफ द सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएशन आर नोन, है ना, कुछ टाइप के सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के एसोसिएशन हमको पता है, कौन कौन से हैं वो, द मोस्ट प्रोडोमिनेंट, है ना, सॉरी मोस्ट प्रोमिनेंट, उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित, मोस्ट प्रोमिनेंट एमंग ऑफ द लेग्यूम बैक्टीरिया जो होते हैं, लेग्यूम यानी फवेसी फैमिली, कौन सी फैमिली, फवेसी फैमिली जो होती है, दाल वाली फैमिली होती है, पल्थ फैमिली होती है, है ना, इसको बोलते हैं लेग्यूम फैमिली बोलते हैं हम लोग। द मोस्ट प्रोमिनेंट एमंग देम इज द लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप, यानी इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सी, लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्पीसीज रॉड सेप बैक्टीरिया की स्पीसीज क्या हुई, राइजोबियम कैसा बैक्टीरिया है, रॉड सेप बैक्टीरिया, इस बात को याद रखेंगे, इसके नाम में याद आ रहा है तो ये कैसा बैक्टीरिया होगा, रॉड सेप बैक्टीरिया होगा, हैज सच रिलेशनशिप विथ रूट ऑफ सेवरल लेग्यूम सच एज अल्फा, है ना, कौन लेग्यूम में क्या क्या आ गए, अल्फा आ गया, स्वीट क्लोवर आ गया, स्वीट पी आ गया, लेंटिल्स आ गया, गार्डन पी आ गया, और क्या आया, ब्रॉड बीन आया और क्लोवर बीन आया, ये क्या है, लेग्यूम की लेग्यूम है। ठीक है, यानी राइजोबियम जो लेग्यूम प्लांट से एसोसिएशन करता है। ठीक है, अब यही बताया गया है, द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट इज एज नूडल्स, है ना, जो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन होगा रूट में कैसा होगा, वो किस फॉर्म में होगा, नूडल के फॉर्म में होगा, है ना। नूडल्स क्या होते हैं, ये बताया गया है, नूडल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट, नूडल्स होते हैं रूट में, यानी लेग्यूम प्लांट की रूट में, एक क्या हो गया, जैसे मान लो सपोज डेट ये रूट हुई, है ना, ये रूट है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे छोटी छोटी आउटग्रोथ हो जाएंगी, इनको क्या बोलेंगे, नूडल्स बोलेंगे, यहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, लेग्यूम प्लांट में पाए जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे, है ना, आउटग्रोथ को लेग्यूम बोलते हैं जो कि रूट में होता है। ठीक है, द माइक्रोब्स जो होता है फ्रेंकिया, एक माइक्रोब्स क्या है, फ्रेंकिया है, ये कहाँ पे पाया जाता है, माइक्रोब फ्रेंकिया है, आल्सो नाइट्रोजन फिक्सिंग, है ना, ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग नूडल्स बनाता है, कहाँ पे बनाता है, ऑन रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, है ना, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट यानी जो फवेसी फैमिली के मेंबर नहीं होंगे, यानी दाल वाली फैमिली के मेंबर नहीं होंगे, उनमें ये करेगा, क्या करेगा, नाइट्रोजन फाइंग नूडल्स बनाएगा, है ना, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, इस बात को याद रखेंगे। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल क्या दिया गया हमको यहाँ पे, एलनस, क्या है, एलनस, ये बात याद रखेंगे कि एलनस किससे रिलेटेड है, फ्रेंकिया से रिलेटेड है, ये कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यही से सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ये फ्रेंकिया जो होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग नूडल बनाता है, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग नूडल बनाता है। आगे क्या है, बोथ राइजोबियम एंड फ्रेंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल, है ना, राइजोबियम और फ्रेंकिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉइल में कैसे होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, है ना, फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, बट एज सिम्बायोटेंट, है ना, जब ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमोसफियर में तो वो कैसे हो जाते हैं, सिम्बायोटेंट हो जाते हैं, है ना, वैसे तो फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कैसे एटमोसफियर के नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, तो सिम्बायोटिक स्टेज में आके करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे क्या है, अपरूट एनी वन प्लांट ऑफ कॉमन पल्स जस्ट बिफोर फ्लॉरिंग, है ना, किसी भी पल्स प्लांट की रूट को आप जब देखेंगे जस्ट बिफोर द फ्लॉरिंग से पहले, तो आप क्या देखेंगे, यू विल सी नियर स्पेरिकल आउटग्रोथ ऑन द रूट, यानी रूट के पास स्पेरिकल आउटग्रोथ होंगी, इसको क्या बोला गया था रूट नोड्यूल, है ना, ये कब होता है, फ्लॉरिंग के पहले होता है, है ना, जस्ट बिफोर द फ्लॉरिंग, दीज आर नोड्यूल्स, इनको क्या बोला, नूडल्स बोला। इफ़ यू कट, अगर आप इन्हें काटेंगे, है ना, इफ़ यू कट थ्रू देम यू विल नोटिस डेट द सेंट्रल पोर्सन इज रेड और पिंक, जब आप इस नूडल को काटेंगे तो आप देखेंगे उनका जो सेंट्रल पोर्सन है वो सेंट्रल पोर्सन कैसा है, रेड है या तो पिंक है, कैसा, रेड या पिंक, रेड कलर का या पिंक कलर का आपको दिखेगा क्या, नूडल का सेंट्रल पोर्सन। ठीक है, विच मेक
नूडल पिंक, ऐसा क्या है जो नूडल को कैसा पिंक बनाता है, ऐसा क्या है जो नूडल को पिंक बनाता है, तो इसके लिए क्या है इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, है ना। जैसे हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बट इनमें प्लांट में भी लेग्यूमिनस प्लांट में कैसा लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि इनको पिंक कलर प्रोवाइड कराता है या रेड कलर प्रोवाइड कराता है। तो अब यहाँ पे इसको लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में क्या लिख दिया गया, लेग हीमोग्लोबिन, लेग वर्ड रिलेटेड है लेग्यूमिनस से, हीमोग्लोबिन वर्ड रिलेटेड है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। हमारी बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें क्या लेग्यूम प्लांट की क्या पाया जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाएगा जो पिंक और रेड कलर प्रोवाइड कराता है इनको, ठीक है, नूडल्स को। अब आगे क्या बताया गया, नूडल फॉर्मेशन, कि नूडल का फॉर्मेशन कैसे होता है यार, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है काफ़ी, ठीक है। नूडल फॉर्मेशन क्या है, अब नूडल फॉर्मेशन, नूडल कैसे बनते हैं, ठीक है। नूडल फॉर्मेशन इन्वॉल्व ए सिक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंट्रैक्शन बिटवीन राइजोबियम एंड रूट ऑफ हॉस्ट प्लांट, है ना। अब इसमें क्या बोला गया कि नूडल फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल इंट्रैक्शन होते हैं, किसके किसके बीच में होते हैं, राइजोबियम के बीच में होता है ना, राइजोबियम के बीच में और रूट ऑफ हॉस्ट प्लांट, जिस हॉस्ट प्लांट क्या बोला मतलब जिस प्लांट में नूडल फॉर्मेशन हो रहा है, जिस प्लांट में नूडल फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया आके इसमें अपना एक्शन शो कर रहा है तो उसको क्या बोला, हॉस्ट प्लांट बोला, ठीक है। सो यही है कि उसके बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, मल्टीपल सिक्वेंस होते हैं तब बनता है। आगे क्या है, प्रिंसिपल स्टेज इन द नूडल फॉर्मेशन आर समराइज एज फॉलो, तो हमको यहाँ कुछ स्टेज बताई गई हैं जो नूडल फॉर्मेशन जिससे होता है, क्या बताया गया है, फर्स्ट क्या होगा, राइजोबिया मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ रूट एंड गेट अटैच टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। सो इसका सिंपल वर्ड क्या हुआ भाई, इसका सिंपल वर्ड ये हुआ कि राइजोबियम जो होगा बैक्टीरिया होगा सबसे पहले वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने का मतलब अपनी संख्या बढ़ाएगा, क्या करेगा संख्या बढ़ाएगा, और फिर क्या करेगा कॉलोनाइज हो जाएगा और फिर वो अपना घर बना लेगा वहीं पे, कहाँ पे बना लेगा, सराउंडिंग ऑफ रूट, रूट के चारों तरफ, रूट के चारों तरफ अपना वो घर बना लेगा वहीं पे, मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ा लेगा और वो क्या करेगा फिर अटैच हो जाएगा किससे, एपिडर्मल, है ना, एपिडर्मल, एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल से क्या हो जाएगा वो अटैच हो जाएगा। पहला तो ये हुआ, ये क्या हुआ, पहला ये हुआ कि मल्टीप्लाई करेगा, कॉलोनाइज हो जाएगा और रूट ऑफ के चारों तरफ सराउंड करके एपिडर्मल और हेयर सेल से, रूट हेयर सेल से अटैच हो जाएगा। अब आगे क्या है, द रूट हेयर, अब जो रूट हेयर हुए, रूट हेयर कैसे होते हैं हम सभी को पता है, जो रूट हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। जो रूट हेयर कर्ल, अब रूट हेयर क्या हो जाएंगे, कर्ल हो जाएंगे एंड बैक्टीरिया एम्बेडेड द रूट हेयर, है ना, रूट हेयर क्या हो जाएंगे, कर्ल हो जाएंगे और बैक्टीरिया उसमें क्या हो जाएगा, उनके रूट हेयर में एम्बेडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्बेडेड होने का, एम्बेडेड का मतलब उसके अंदर चला जाएगा, घुस जाना, हाँ, अंदर जाना या घुस जाना, ठीक है, किसी के अंदर घुस जाना, इन्वेजिनेशन जैसे होता है कोई चीज़ अंदर की तरीके होती है, कोई चीज़ अंदर ऐसे, मान लो ये नॉर्मल चीज़ है, अब इसका इन्वेजिनेशन हुआ कोई चीज़ तो ये अंदर आ जाएगी, तो ऐसे होता है इन्वेजिनेशन या इन्वेड होना, यानी रूट हेयर कर्ल हो जाएगा और बैक्टीरिया उसके रूट हेयर में एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, एन इन्फेक्शन थ्रेड, और फिर क्या है, इन्फेक्शन थ्रेड बन गया, एन इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, और फिर क्या बना, इन्फेक्शन थ्रेड बन गया, ठीक है, इन्फेक्शन थ्रेड बन गया और ये फिर क्या हुआ, जो कि बैक्टीरिया को कहाँ पर ले जाता है, कॉर्टेक्स ऑफ रूट, यानी बैक्टीरिया को कॉर्टेक्स ऑफ रूट में ले जाएगा। सबसे बाहर क्या होता है रूट में, एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मल, एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस होती है, फिर क्या होता है कॉर्टेक्स होता है, फिर क्या होता है एंडोडर्मिस होती है, फिर क्या होती है पेरिसाइकिल होती है, ये बात हमको पता है। इसके बाद वास्कुलर बंडल आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये बात हमको पता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो रूट रूट थ्रेड बना, ये इसको बैक्टीरिया को कहाँ ले गए, कॉर्टेक्स ऑफ रूट में ले गए। अब वहाँ पे क्या हुआ, वेयर दे इनिशिएट द नूडल फॉर्मेशन इन कॉर्टेक्स ऑफ रूट, अब हमसे ये पूछा गया, ये बताया गया हमको कि यानी जो नूडल फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, कॉर्टेक्स ऑफ रूट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखेंगे कि जो नूडल का फॉर्मेशन होता है ना, नूडल फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रूट के कॉर्टेक्स में होता है ना, रूट के कॉर्टेक्स में होता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे क्या है, देन बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम द थ्रेड, है ना, फिर क्या हुआ, देन बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इन टू द सेल विच लीड टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नेट्रोफाइसिंग सेल, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ पे ये नूडल फॉर्मेशन बना लिया, उसके बाद बैक्टीरिया क्या हुआ, रिलीज हो गया फ्रॉम द थ्रेड, यानी रूट थ्रेड से रिलीज हो गया
इनटू सेल, उस सेल में रिलीज हो गया जहाँ पे जो सेल क्या हो रही डिफरेंशिएट हो रही है और नाइट्रोजन स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल बन रही है। ठीक है, स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल बन रही है, उसमें वो रिलीज हो गया। आगे क्या है, द नूडल दस फॉर्म, उसके बाद क्या है नूडल बन जाता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, स्टेबलाइज ए डायरेक्ट वास्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। फिर क्या हुआ, वो डायरेक्ट किसके कॉन्टेक्ट में आती है, वास्कुलर कनेक्शन, वास्कुलर कनेक्शन में क्या आ जाएंगे, जाइलम, जाइलम और फ्लोएम आ जाएंगे, इनके कॉन्टेक्ट में आ जाती है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाती है और वहाँ से क्या न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करती है, यानी न्यूट्रिएंट का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, दीज इवेंट आर डिपिक्टेड इन फिगर, ये हमको इवेंट दिखाए गए हैं फिगर में, डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाया जाना, यानी 12.4 फिगर में हमको बताया गया है ये कि नूडल फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। द नूडल कंटेन ऑल नेसेसरी बायो केमिकल कंपोनेंट, यानी नूडल में क्या होता है, सारे के सारे नेसेसरी बायो केमिकल कंपोनेंट होते हैं। कैसे, नेसेसरी बायो केमिकल यानी जरूरी, बायो केमिकल मतलब लिविंग से रिलेटेड हैं, और कंपोनेंट मतलब घटक, सारे के सारे वो जरूरी घटक पाए जाएंगे किसमें, नूडल में। ठीक है, आगे क्या है, सच एज एंजाइम, तो उसमें इंपॉर्टेंस क्या हुआ, एक एंजाइम होता है कौन सा, नाइट्रोजिनेस, कौन सा, नाइट्रोजिनेस एंजाइम होगा, और क्या हुआ, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन क्या था, ये पिंक कलर प्रोवाइड करा रहा था, क्या कलर प्रोवाइड करा रहा था, पिंक कलर प्रोवाइड करा रहा था, और जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम था, नाइट्रोजिनेस क्या कर रहा था, नाइट्रोजिनेस एन2 को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, एन2 को कन्वर्ट कर रहा था NH3 में। ठीक है, ये बात पता है, यहाँ पे क्या होता है, ये मॉलिब्डेनम होता है और एफई प्रोटीन होती है, MOFE प्रोटीन होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, द एंजाइम नाइट्रोजिनेस, जो एंजाइम नाइट्रोजिनेस होता है वो क्या है, MOFE प्रोटीन है, क्या है, MOFE प्रोटीन होता है, एंड कैटलाइज, और ये क्या करता है, कैटलाइज करता है, कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा था, यानी N2 को NH3 में। ठीक है, नाइट्रोजिनेस यहाँ पे था और क्या था, MOFE प्रोटीन, MOFE यहाँ पे प्रोटीन होगी। आगे क्या है, फिगर ये 12.5 में दिखाया गया हमको। ठीक है, क्या है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, अब हमसे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या होगा, तो हम बोलेंगे अमोनिया होगा, है ना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। आगे हमको क्या बताया गया यहाँ पे, वो जो नूडल फॉर्मेशन हो रहा था उसके बारे में हमको बताया गया है ना, उसके बारे में हमको बताया गया है, क्या बताया गया है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ रूट नूडल इन सोयाबीन, यहाँ पे जो हमको दिखाया गया है किसका दिखाया गया है, सोयाबीन का दिखाया गया है ना। तो फर्स्ट इसमें ये क्या बताया गया, राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टेक्ट ए सस्पेक्टाइल रूट हेयर, नाइट्रोजन बैक्टीरिया था वो किसके कॉन्टेक्ट में आया, रूट हेयर के कॉन्टेक्ट में आया और वहाँ आके क्या किया, खुद को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, कॉलोनाइज हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया, बी में क्या बताया गया, सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉज कर्ल, है ना, उसके बाद जब इसमें इस रूट हेयर में इन्फेक्शन हो जाएगा तो रूट हेयर कैसा हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा, यानी वो घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, कर्ल हो जाएगा, जैसे रूट हेयर ऐसे था तो आगे चल के ऐसे मुड़ गया। ठीक है, कर्ल हो गया। 80 में क्या बताया गया, इन्फेक्टेड थ्रेड कैरी द बैक्टीरिया टू इनर कॉर्टेक्स, इन्फेक्टेड थ्रेड होगा ये कर्ल हो जाएगा तो बैक्टीरिया इसके क्या होगा, इनर कॉर्टेक्स में चला जाएगा। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड इनटू रूट शेप बैक्टीरियाड, और उसके बाद बैक्टीरिया होगा वो खुद को मॉडिफाइड कर लेगा रॉड शेप में, रॉड शेप बैक्टीरियाड में खुद को मॉडिफाइड कर लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड कॉज इनर कॉर्टिकल एंड पेरीसाइकिल सेल टू डिवाइड, और फिर वो पेरीसाइकिल सेल में और इनर कॉर्टिकल और पेरीसाइकिल सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरीसाइकिल सेल लीड टू नूडल फॉर्मेशन, उसके बाद क्या होगा, किसका डिवीजन होगा, कॉर्टिकल सेल का डिवीजन होगा और पेरीसाइकिल सेल का डिवीजन होगा, और फिर क्या होगा, रूट नूडल बन जाएगा। उसके बाद डी में क्या है, एक मैच्योर नूडल कंप्लीट हो गया विद वास्कुलर टिश्यू कंटिन्यू टू दो रूट, है ना, वो वास्कुलर टिश्यू के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, उससे एक्सचेंज करेगा, कनेक्शन प्रोवाइड कर लेगा और सारे के सारे न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कर लेगा वहाँ से। ठीक है, अब हम आपको फिगर दिखाते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में
ये सॉइल के पार्टिकल हैं, और यहाँ पे बैक्टीरिया भी पाया जा रहा है और रूट हेयर पाए जा रहे हैं। अब बैक्टीरिया रूट हेयर के चारों तरफ क्या किया, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब बैक्टीरिया रूट हेयर से अटैच हो गया तो क्या बना, हुक बन गया। कैसा बन गया, हुक बन गया, कर्ल हो गया। चीज़ें कर्ल होगी तो इसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन बोलेंगे। क्या यहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड बनने लगा, है ना। ये क्या हुआ, छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखा रहे हैं, ये हुक दिखा रहे हैं, ये रूट हेयर है। ये क्या है, रूट हेयर है, रूट हेयर है, रूट हेयर है, ठीक है, रूट हेयर है। अब ये बैक्टीरिया आके इसमें रूट हेयर से अटैच करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे अटैच हो गया और यहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड बन गया है। क्या बन गया, इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया, यानी इन्फेक्शन थ्रेड बना और ये बैक्टीरिया कहाँ चला गया, इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल अंडर डिवीजन। और ये बैक्टीरिया इनर कॉर्टेक्स में चला गया, पेरिसाइकिल में चला गया, और वहाँ पे अपना डिवीजन करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बनेगा, मैच्योर नूडल बन गया, मैच्योर नूडल बन गया। ये किसका है, सोयाबीन का है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि मैच्योर नूडल बन जाता है। अब आगे क्या बताया गया हमको, आगे रिएक्शन दी गई हमको, है ना, रिएक्शन के बारे में बताया गया है। द रिएक्शन इज फॉलो, कि स्टेबल प्रोडक्ट जो था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, अमोनिया था, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, अमोनिया था, वही है। यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन आया, 8 इलेक्ट्रॉन आए, और 8 हाइड्रोजन एटम से मिलके और 16 ATP मिले, क्या बना दिया, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बना लिए। यहाँ पे 16 ATP लग रहे हैं, कितने के लिए, 16 ATP लग रहे हैं दो के लिए, 2NH3 के लिए क्या, 16 ATP लग रहे हैं, तो एक के लिए कितने लगेंगे, 8 ATP लगेंगे, एक 8 ATP लगेंगे एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक के लिए हमको पता है 8 लगते हैं, दो के लिए 16 लगते हैं, तो कितने के लिए भी पूछेगा क्वेश्चन में, हम उसको कैलकुलेट करके बता देंगे। यहाँ पे हमको रिएक्शन दे देगा क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 की जगह 10 कर देगा, यहाँ पे मिस कर देगा कि यहाँ पे कितने ATP लगेंगे, तो हमको पता है एक के लिए 8 लग रहे हैं, 10 के लिए कितने भी हो हम बता देंगे ऐसे, ठीक है, कैलकुलेट करके, ठीक है। उसके बाद क्या है, 8 ATP लगे, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बन गए। उसके बाद क्या, हाइड्रोजन निकला यहाँ पे, 16 ADP और फास्फेट आयन, है ना, 16 ADP प्लस 16 फास्फेट के आयन आए, 16 ATP, ये फिर से क्या बना सकते हैं, ATP, और ये किसमें, ये ATP में टूटते हैं, ATP से ATP टूटेगा किसमें, ADP प्लस फास्फेट आयन में, इस बात को पता है हम लोग को, जानते हैं, ठीक है। आगे क्या है, ये बात याद रखेंगे कि एक अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए 8 ATP लगते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, अमोनिया होता है, ठीक है। आगे क्या है, दीज एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव, है ना, जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज था वो कैसा था, हाईली सेंसिटिव था टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होगा, उसमें हाईली सेंसिटिव होगा किसके, मॉलिकुलर ऑक्सीजन के लिए, है ना। इट रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन, इसके लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन अब्सेंट हो, क्या O2 अब्सेंट हो, है ना, O2 अब्सेंट हो तभी ये काम करता है क्या, एंजाइम नाइट्रोजिनेज, ठीक है। आगे क्या है, द नूडल्स हैव एडाप्टेशन डेट इंश्योर डेट एंजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन, है ना। नूडल में क्या होता है, एडाप्टेशन हो जाता है, नूडल्स में क्या होता है, एडाप्टेशन होता है, वो इंश्योर करता है कि जो एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, इसको किससे प्रोटेक्ट करना है, फ्रॉम ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से इसको बचाना है, अगर ऑक्सीजन हुई तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, अपना काम नहीं कर पाएगा, नूडल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नूडल में ये क्या होता है, एडाप्टेशन होता है, याद रखेंगे। टू प्रोटेक्ट दीज एंजाइम द नूडल कंटेन एन ऑक्सीजन स्क्वेंजर कॉल्ड लेग हीमोग्लोबिन, ये इंपॉर्टेंट है कि नूडल में क्या होता है, है ना, ये नूडल में क्या होगा, एक ऑक्सीजन स्क्वेंजर, यानी ऑक्सीजन को ले जाने वाला, इसका स्क्वेंजर का मतलब क्या होता है, ले जाने वाला, ले जाने वाला, है ना, ऑक्सीजन को ले जाने वाला क्या होगा, लेग हीमोग्लोबिन होगा। लेग हीमोग्लोबिन क्या होगा, एनरोबिक कंडीशन प्रोवाइड कराएगा किसके लिए, एंजाइम के लिए, है ना, नाइट्रोजिनेज के लिए क्या कराएगा, एनरोबिक कंडीशन बनाएगा। आगे क्या है, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखेंगे कि जो होता है ऑक्सीजन का काम क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन क्या काम क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंजर का काम करता है, ठीक है। आगे क्या है, इट इज इंटरेस्टिंग, ये जानने के लिए इंटरेस्टिंग है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, लाइव एज जो माइक्रोब्स होंगे वो कहाँ पे रहते हैं, माइक्रोब्स लाइव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, है ना, जो माइक्रोब्स होंगे वो फ्री लिविंग कंडीशन में वो एरोब्स रहेंगे, मतलब ऑक्सीजन यूज करेंगे, है ना, O2 यूज कब करेंगे, जब वो फ्री लिविंग रहेंगे, है ना, फ्री लिविंग रहेंगे तब वो
वो टू यूज करेंगे वेयर नाइट्रोजनेज इज नॉट ऑपरेशनल, जब नाइट्रोजनेस नहीं होता है तब वो जो होंगे वो कैसे फ्री लिविंग माइक्रोब्स कैसे होंगे, एरोबिक होंगे, ठीक है। बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इवेंट, जब नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट हो जाएंगे, जब नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए काम चालू हो जाएगा तो ये कैसा हो जाता है, बिकम एनरोबिक, ये फिर एनरोबिक हो जाता है ना, एनरोबिक हो जाता है, दस प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजनस एंजाइम, और नाइट्रोजन एंजाइम को प्रोटेक्ट करने लगता है ना, नाइट्रोजनस एंजाइम को प्रोटेक्ट करने लगता है। आगे क्या है, यू मस्ट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा इन द एवर रिएक्शन डेट अमोनिया सिंथेसाइज बाई नाइट्रोजनेस रिक्वायर ए वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, है ना, आपने ये देखा होगा कि जब अमोनिया बनना था है ना, तो उसके लिए क्या है, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी की जरूरत हो रही थी, 8 ATP फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस, यानी 8 ATP एक अमोनिया के मॉलिक्यूल बनाने में यूज हो रही है, हमने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है यार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड दस इज ऑप्टेन फ्रॉम द रिस्पायरेशन ऑफ द होस्टिल, ये एनर्जी कहाँ से आती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड दस इज ऑप्टेन फ्रॉम रिस्पायरेशन ऑफ होस्टिल, जो होस्टिल होगी, जो जिस सेल में क्या होगा ये सारे के सारे फंक्शन हो रहे हैं, तो उस सेल में उसी सेल से एनर्जी बनती है, इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टेप बताए गए हैं ना, स्टेप ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है अमोनिया में बाय नाइट्रोजनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो कहाँ पे, फाउंड इन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पाया जाएगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में पाया जाएगा, क्या होगा, नाइट्रोजन के में कन्वर्ट होगी अमोनिया में। अब उसके लिए क्या होता है वो देख लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमको बताया गया जो सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ N2, है ना, सबस्ट्रेट नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ N2। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एंजाइम है कौन सा, नाइट्रोजनेस एंजाइम है, और एंजाइम में क्या होती है, बाइंडिंग साइड होती है, एंजाइम में क्या होती है, बाइंडिंग साइड होती है, यानी एक्टिव साइड होती है, ये हमको बताया गया है। अब जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में है ना, अब वो क्या होगा, वो किससे बाइंड करेगा, एंजाइम से बाइंड करेगा, यानी दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, दो एक्टिव साइड हैं, दोनों एक एक आके बाइंड कर लेंगे, है ना। जब नाइट्रोजन से बाइंड करता है तो उसमें क्या, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस बात को हमको पता है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब भाई हमको क्या, N2 से क्या बनाना है, N2 से हमको अमोनिया बनाना है, यानी यहाँ पे तीन हाइड्रोजन ऐड होने हैं, तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे हमको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने, तीन रिडक्शन प्रोसेस होंगे, तब जाके हमारा क्या है, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो वही हमको यहाँ पे बताया गया है कि अब क्या हुआ, नाइट्रोजन सबस्ट्रेट बाइंड कर गए सबस्ट्रेट से, है ना, नाइट्रोजनेस में। अब उसके बाद क्या है, फर्स्ट रिडक्शन हुआ, तो एक नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन में एक एक हाइड्रोजन आ गए, यहाँ 2H बोला है, 2H, तो यानी दोनों नाइट्रोजन में एक एक हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड था वो वहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक एक हाइड्रोजन दोनों में जुड़ जाएगा, है ना, एक एक हाइड्रोजन दोनों में आके जुड़ गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो गया और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, एक फिर रिडक्शन हुआ, फिर दो हाइड्रोजन आए, तो क्या हुआ, अब फिर ये जो नाइट्रोजन के बॉन्ड हैं डबल बॉन्ड से ये सिंगल हो गए, अब एक हाइड्रोजन इससे, यानी एक इससे, ऐसे जुड़ जाएंगे। अब फिर क्या हुआ, फिर एक और रिडक्शन डिवीजन होगा, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन का था, ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे और क्या हो जाएगा, फिर तीन तीन हाइड्रोजन सब में जुड़ जाएंगे, तो यानी एक ये बन गया एन एच थ्री, है ना, यहाँ पे हमको बताया गया है ये एन एच थ्री बन गया, है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो यहाँ से प्रोडक्ट जो होगा अमोनिया वो बाहर हो जाएगा, और क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीज हो गया, तो क्या जो ये फिर नाइट्रोजनस जो एंजाइम था, है ना, इसके फिर दूसरे से बाइंड करेगा, है ना, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन से बाइंड करेगा और फिर से ये रिएक्शन कॉज कराएगा, फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो
अब ये होता है एंजाइम जो होते हैं रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, बात को याद रखेंगे, एंजाइम जो होते हैं रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, वो फिर से फ्री हो जाते हैं, प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं और फिर से अपने आप को फ्री कर लेंगे और फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है, यही हमको बताया गया था कि कौन से स्टेप थे, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा था नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, है ना। अब आगे क्या बताया गया हमको, फेट ऑफ अमोनिया, क्या बताया गया, फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फेट ये देख लेते हैं हम लोग, क्या है, एड फिजियोलॉजिकल पीएच, एड फिजियोलॉजिकल पीएच को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच, क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच यानी ऐसा पीएच जिसमें फिजियोलॉजी हो, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो, ठीक है, इसको ऐसे ऑप्टिमम फिजियोलॉजिकल पीएच बोलते हैं। द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनियम आयन, है ना, अमोनिया प्रोटीनेटेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन आके ऐड हो जाएगा, प्रोटॉन आके ऐड होगा यानी हाइड्रोजन आके ऐड होगा, हाइड्रोजन को प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव होता है, है ना, तो यानी प्रोटीनेटेड बोला यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे अमोनिया के साथ ऐड हो जाएगा यानी थ्री के साथ एक आ गया तो क्या बना दिया, NH4 अमोनियम, अमोनियम आयन बना दिया, क्या बना दिया, अमोनियम आयन बना दिया, ठीक है। वाइल आगे कह दिया, वाइल मोस्ट ऑफ प्लांट कैन एसिमिलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन, सो मेनली प्लांट जो होता है, अगर मेनली पूछा जाए तो क्या होता है, NO3 प्लांट जो मेनली नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेगा, तो मेनली नाइट्रोजन लेगा किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में लेगा, बट क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो एसिमिलेट कर सकते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में और किसके फॉर्म में, अमोनियम आयन के फॉर्म में, ठीक है। आगे क्या है, द लेटर इज क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट एंड हेंस कैन नॉट एक्यूमलेट इन देम, है ना, और ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होता है, इस वजह से प्लांट में ये एक्यूमलेट नहीं होते हैं, ठीक है, सॉरी एक्यूमलेट नहीं होते हैं प्लांट में। लेट अस नो हाउ टू क्या है, अमोनियम आयन यूज टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड इन प्लांट, आओ ये हम देखते हैं कि अमोनियम आयन से कैसे क्या बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं प्लांट में, है ना, अमोनियम आयन से क्या बनेंगे, अमीनो एसिड बनेंगे प्लांट में, ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि अमोनियम आयन से अमीनो एसिड बनते हैं प्लांट में, ठीक है, कैसे बनते हैं वो देखते हैं इस बारे में। देयर आर टू मेन वे, इसको बनने के लिए दो मेन रास्ते हैं, दो मेन वे हैं, कौन कौन से हैं, एक रिडक्टिव एमिनेशन, है ना, ये क्या है, रिडक्टिव एमिनेशन है, और दूसरा क्या है, ट्रांस एमिनेशन है, रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन, तो रिडक्टिव एमिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इन दीज प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा क्यूटोग्लुटारिक एसिड, इस प्रोसेस में रिडक्टिव एमिनेज में क्या होता है, अमोनिया रिएक्ट करती है किससे, अल्फा क्यूटोग्लुटारिक एसिड से, और क्या बना देती है, ग्लूटामिक एसिड बना देती है, है ना, क्या करेगी, अमोनिया रिएक्ट करेगी अल्फा क्यूटोग्लुटारिक एसिड से और क्या बना देगी, ग्लूटामिक एसिड बना देगी, एज इंडिकेट इन द इक्वेशन, जो कि हमको इक्वेशन में दिखाया गया है, इक्वेशन देख लेते हैं हम क्या है, जो अल्फा क्यूटोग्लुटारिक एसिड होता है ये कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का है, इसको याद रखेंगे, 5 कार्बन का एसिड है, ठीक है। अब क्या हुआ, अल्फा क्यूटोग्लुटारिक एसिड अमोनियम आयन से रिएक्ट कर दिया और क्या NADPH हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे जो एंजाइम हुआ क्या हुआ, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, इसको याद रखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा रिडक्टिव एमिनेशन में, है ना, रिडक्टिव एमिनेशन में एंजाइम कौन सा लगता है, तो हम बोलेंगे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा इसमें और ये किसको क्या बना देगा, ग्लूटामेट बना देगा, क्या बना देगा, ग्लूटामेट बना देगा, वाटर निकलेगा और NADPH निकलेगा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रिडक्टिव एमिनेशन हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है, अब ट्रांस एमिनेशन, सेकंड क्या था, ट्रांस एमिनेशन से पता चला यहाँ पे किसी चीज़ का ट्रांसफर होगा, है ना, ट्रांसफर यानी ट्रांसफर होगा किसी चीज़ का, क्या ट्रांसफर होगा वो देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, है ना, अब इसमें क्या है अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में, यानी एक अमीनो एसिड का ट्रांसफर किसी दूसरे अमीनो एसिड के कीटो ग्रुप से एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, यही बताया गया है। अब आगे क्या है, ग्लूटामिक एसिड, जो ग्लूटामिक एसिड होता है इज मेन, ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ NH2 द अमीनो ग्रुप टेक प्लेस एंड अदर अमीनो एसिड इज फॉर्म थ्रू ट्रांस एमिनेशन द एंजाइम ट्रांस एमिनेज कैटलाइज ऑल सच रिएक्शन फॉर्म,
ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये मेन एसिड होता है ना, जो कहाँ से आता है, ग्लूटामिक एसिड मेन एसिड विच फ्रॉम विच ट्रांसफर ऑफ NH2, जो कि NH2 ग्रुप को ट्रांसफर करता है। द अमीनो ग्रुप टेक प्लेस द अनदर अमीनो एसिड आर फॉर्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से बनता है उसमें ट्रांसफर होता है, इसमें किसमें NH2 का NH3 ग्रुप का हो गया कीटो ग्रुप का। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, पहला क्या है, पहले में क्या होगा, एक अमीनो डोनर होगा, अमीनो डोनर का मतलब होगा ये NH2 ग्रुप देगा, ठीक है, NH2 ग्रुप देगा, एक क्या होगा अमीनो एक्सेप्टर होगा जो NH2 ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब आगे क्या है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब यहाँ फर्स्ट वाले में अभी क्या है NH3 लगा हुआ है, अब यहाँ पर क्या है फर्स्ट वाले में क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रोडक्ट साइड में क्या आ गया, कीटो आ गया, तो यहाँ का कीटो इधर पे जाएगा और यहाँ का जो ये है इधर पे आ जाएगा, बात वही है। ठीक है, अपोजिट हो जाएंगे दोनों, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, फर्स्ट वाले में वहाँ पे अमीनो था, यहाँ पे क्या आ गया कीटो आ गया, यहाँ सेकेंड वाले में वहाँ कीटो था, यहाँ पे अमीनो आ गया, बात वही है। ठीक है, आगे क्या है, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड है ना, जहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड होते हैं, कौन कौन से एमाइड होते हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड क्या हो गए, एस्पराजिन और ग्लूटामिन। एमाइड कौन कौन से हो गए, एस्पराजिन और ग्लूटामिन, ये एमाइड हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि हमसे पूछ लेगा एस्पराजिन और ग्लूटामिन क्या है, ग्लूटामिन क्या है, तो हम बोलेंगे एमाइड है। आगे क्या है, फाउंड इन प्लांट आर ए स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द प्रोटीन, ये कहाँ पे प्लांट में पाए जाते हैं और ये प्रोटीन का कौन सा पार्ट बनाते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं प्रोटीन का। ठीक है, एस्पराजिन और ग्लूटामिन। ठीक है, दे आर फाउंड फ्रॉम टू मेन अमीनो एसिड, ये क्या है, दो मेन अमीनो एसिड से बनते हैं। जो एस्पराजिन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, एस्पार्टिक एसिड से बनेगा, और जो ग्लूटामिन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, ग्लूटामिक एसिड से बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, जो एस्पराजिन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, एस्पार्टिक एसिड से बनेगा, और जो ग्लूटामिन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, ग्लूटामिक एसिड से बनेगा, क्योंकि इनमें एसिड हैं तो ये क्या है, अमीनो एसिड हो गए, और ये क्या है, इसमें एमाइड हैं, तो यानी एमाइड में जो होता है नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है देन एसिड से। आगे बताते हैं आपको, रिस्पेक्टिवली बाई एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप टू ईच अदर। ठीक है, यानी एमाइड में क्या होता है, एक और ग्रुप आ जाता है ना, एक अमीनो ग्रुप और आ जाता है, यानी तो वहाँ पे अमीनो ग्रुप ज़्यादा हो जाते हैं, एमाइड में अमीनो ग्रुप की संख्या ज़्यादा होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन, जहाँ पे एमाइड ज़्यादा होंगे वहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा होगा। ठीक है, एमाइड में नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे अमीनो ग्रुप ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस बाई अनदर NH2 रेडिकल, यानी हाइड्रोक्सिल पार्ट होगा एमाइड में क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाता है किसमें, NH2 रेडिकल से, तो यहाँ वहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस वजह से नाइट्रोजन कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, सिंस एमाइड कंटेन मोर नाइट्रोजन, इसी वजह से क्या होता है, एमाइड में होता है मोर नाइट्रोजन होती है देन अमीनो एसिड, यानी एमाइड में क्या होगी, नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन ज़्यादा होगा किसके अपेक्षा में, अमीनो एसिड से। दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में बाई जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल जो होती हैं ट्रांसपोर्शन करती हैं। ठीक है, जाइलम वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आगे क्या है, इन एडिशन अलॉन्ग विद द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम ऑफ नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स, है ना, ये क्या होता है, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम क्या होती है, जहाँ जाइलम और फ्लोएम का रोल होगा, जाइलम और फ्लोएम होंगे। ठीक है, ऑफ नूड्यूल ऑफ सम प्लांट, यहाँ पे एग्जांपल हमको किसका दिया गया, सोयाबीन का एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे जो ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम के द्वारा, यानी जाइलम के द्वारा जो ट्रांसफर होगा, जो सोयाबीन का एग्जांपल दिया गया है, स्पोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एच यूरियड, यानी यहाँ पे क्या होता है, जो सोयाबीन में होता है वहाँ पे जो फिक्स नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता है, किस फॉर्म में भेजा जाता है, वो उसका फॉर्म होता है यूरियड। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यूरेट क्या होता है, यानी नाइट्रोजन जो फिक्स हो गई तो वो किस फॉर्म में एक्सपोर्ट की जाएगी, यूरेट के फॉर्म में एक्सपोर्ट की जाएगी, किस प्लांट में, सोयाबीन के प्लांट में। ठीक है, दीज कंपाउंड आल्सो है पार्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, इन कंपाउंड में क्या होता है, हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है। इस बात को इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि यूरेट जो होता है सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्स होती है,
यूराइड के फॉर्म में उसको भेजी जाती है ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम के द्वारा। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस और प्लांट के बारे में बात करेंगे। सो आई होप यू लाइक माय सेशन, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड्स। तो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे।